स्वागत है आप लोगों का राजा किचन में। तो आज हम रेडी करने वाले हैं मार्बल केक और बिना हैंडमेटर से। तो आप लोगों को हम यहाँ पे मार्बल केक रेडी करके बताएंगे। तो यहाँ पे जो हमने आज मिक्सी लिया है, मिक्सी में ही सब मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट अंडा लिया है, एक अंडा करके तोड़ेंगे हम। यहाँ पे तीन अंडा लेंगे, तीन अंडे से ही बनाएंगे हम मार्बल केक को। तो आप लोग देखिए हमारा रेसिपी कैसा होता है, हम कैसे बनाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोग भी ऐसे ही बना सकते हैं और बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे हमने शुगर ले लिया है, 150 ग्राम शुगर लिया है। तो हमने शुगर को भी यहाँ पे डाल दिया है, देखिए मिक्सी में। तो आप क्या करेंगे, हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए ये हो गया हमारा मिक्स यहाँ पे। इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे, जो हमारा 60 ग्राम ऑयल है। इसमें हम 60 ग्राम ऑयल डाला है, वेजिटेबल ऑयल कुछ भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे हमने वनीला एसेंस भी लिया है 1 टीस्पून। तो देखिए यहाँ पे बॉल ले लिया है मैंने, अभी जो हमारा मिक्स करा हुआ प्योरी था उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। तो देखिए ये ज़बरदस्त मिक्स हुआ है मिक्सी में। तो इसी के अंदर हम अभी मिक्स करने वाले हैं मैदा को। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम मैदा लिया है। तो अब हमको लेना है यहाँ पे मिल्क पाउडर को ऐड करेंगे। तो ये 150 ग्राम मैदा भी लिया है इसके बराबर में हम। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है हमने, देखिए 30 ग्राम मिल्क पाउडर होगा यहाँ पे ऐड किया हमने। और उसके बाद बेकिंग पाउडर लिया हमने 2 स्पून यहाँ पे। उसके बाद हमने लिया है बेकिंग सोडा 1 टीस्पून और चुटकी भर नमक ऐड किया हमने इसको। तो इस सारी चीज़ों को यहाँ पे छान लेने का अच्छे से। तो देखिए हम यहाँ पे अच्छे से छान लेंगे इसको, हो गया हमारा। तो जो गुठलिया जैसे था वो चला गया है। ये हैंड विक लेके हम इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे, देखिए इसको ऐसे ही मिक्स करना है आपको। तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये भी। यहाँ पे दूध ऐड किया हमने थोड़ा, तो दूध ऐड कर दिया, उसको भी मिक्स करेंगे अच्छे से। तो हमको अब क्या करना है, इसको जो हम मार्बल केक के लिए 2 बॉल में करना है। तो हम इसको 1 बॉल में आधा निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है हम 1 में कोको पाउडर ऐड करेंगे। कोको पाउडर ऐड करके उसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो देखिए ये बॉल हो गया हमारा अलग, अभी हम जो है इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। ये आधा था, आधा आधा कर दिया हमने दोनों को। तो यहाँ पे हमको कोको पाउडर ऐड करने का है। तो देखिए हमने कोको पाउडर ऐड कर दिया है, यहाँ पे 2 स्पून हमने कोको पाउडर ऐड किया है। तो हो गया हमारा यहाँ पे देखिए मिक्स अभी हाल फिलहाल। तो एक ट्रे लेके हम जो पहले से हम ग्रीस करके रखे थे, इसी के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके पहले हम चॉकलेट डालेंगे, फिर उसके बाद जो है हम ये वाइट वाला डालेंगे उसके ऊपर। तो इस ज़बरदस्त है, अभी हमने थोड़ा डाल दिया यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम चॉकलेट डालेंगे। वैसे करके हम दोनों को डालना है, एक बार वो, एक बार ये, एक बार वो, वैसे करके ये हो जाएगा। तो देखिए तो ऐसे ही आप लोगों को भी डालने का है जैसे हम डाला है यहाँ पे। तो इसमें से केक बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे हमने टूथ पिक लेके डिज़ाइन कर दिया है देखिए, और डिज़ाइन भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो आप हम इसको क्या करेंगे, ब्रेकिंग में डाल देंगे और 40 मिनट्स के लिए 180 सेल्सियस में डालेंगे। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, फिर ब्रेकिंग के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा केक हो गया है रेडी, देखिए बहुत ज़बरदस्त फुल के हुआ है। जो चॉकलेट है वो पूरा नीचे है, तो हमने चॉकलेट जो पहले नीचे वाला लेयर दिया था वो नीचे चला गया है पूरा। ये देखिए आप लोगों को हम काट के भी बताएंगे यहाँ पे। और केक तो बहुत ज़बरदस्त फूला है हमारा, देखिए केक इतना फूल के आया है ना, बिना हैंड मीटर का हमने केक को इतना फुला दिया है, देखिए ज़बरदस्त है। अभी हम काट के आपको एक पीस बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बता रहे, देखिए हमारा जो चॉकलेट है वो नीचे रह गया है, वाइट वाला पूरा ऊपर आ गया है। हमारा मार्बल केक यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बना है, तो आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, ये दबाने से भी उड़ जाता है। देखिए आप लोग भी हमारे ट्रिक में बना सकते हैं, बहुत आसान है बनाने का।
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। और देखिए हमारा केक बहुत ज़बरदस्त बना है, मार्बल केक है ये, और बहुत टेस्ट भी है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका खाने में भी। तो हम जैसे बनाया है वैसे ही आपको भी बनाने का यहाँ पे। तो हमारा ट्रिक आजमाने से आपका भी सही होगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।